नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से विधायक आजम खान तबीयत खराब होने के चलते दिल्ली के सर गंगा अस्पताल में भर्ती हैं। इस दौरान सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 2.5 घंटे तक मुलाकात चली। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर काफी चर्चा हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच पनपे मतभेद को काफी हद तक दूर कर दिया है और रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर दोनों में सहमति बन गई है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और आजम खान के एक बार फिर करीब आने की चर्चा के साथ शिवपाल यादव को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। पूछा जा रहा है कि आजम खान के साथ मिलकर नया मोर्चा बनाने की तैयारी में जुटे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सपा के टिकट पर जसवंत नगर से विधायक बने शिवपाल यादव अब क्या करेंगे। खबरों के मुताबिक शिवपाल यादव की एक योजना पर भले ही पानी फिर गया हो, लेकिन उनके पास एक और विकल्प तैयार है। शिवपाल यादव बीजेपी में जाने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही उन्होंने सपा के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया, अटकलें लगने लगी कि अपर्णा यादव की तरह वह भी भगवा कैंप में जा सकते। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिवपाल यादव और बीजेपी के बीच अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली है। कई मौकों पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल की तारीफ की, तो वहीं शिवपाल ने सीएम योगी को ईमानदार और मेहनती बताया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शिवपाल यादव अब अगला कदम क्या उठाते हैं और प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ मिशन के साथ।